और पहला वाक्य इतना इतना प्रसिद्ध है कि दुनिया सारी दुनिया भारत के लोग सभी इसी को मानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब उस ईश्वर का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है मैं तो केवल इसका ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का मतलब रखवाला, और ट्रस्टी आदमी अगर इसको मिसयूज कर ले तो उस पर मुकदमा चल जाता है कि तुमने अमानत में खयानत की है, मिस अप्रोप्रिएशन। तो इसको हर चीज़ को, और उन्होंने कहा कि मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ। मार्क्स से कहता था ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब समाज के होने चाहिए। तो मार्क्स सिर्फ भौतिक प्रॉपर्टी तक ही सीमित रह गए, और मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, अब ईश्वर का है। ईश्वर माने समाज। अगर समाज मुझे ईश्वर जो है समाज के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तो अगर समाज ये कहे कि तुम अपना शरीर समाज के लिए जाके बलिदान कर दो, तो मैं अभी जा कर के अपना शरीर देश के लिए बलिदान कर दूंगा। मेरे बच्चे भी मेरे नहीं हैं, ईशावास्यम सब ईश्वर के हैं, और ईश्वर अपने आप को समाज के रूप में व्यक्त करता है। तो बच्चे भी समाज के हैं, समाज के हैं। हमें 4 इंजीनियर चाहिए और 6 डॉक्टर चाहिए, और मैं चाहूँ कि 10 के 10 को मैं इंजीनियर बना दूँ, तो मैं ईश्वर के साथ यानी समाज के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। मैं प्लानिंग ये करूँगा कि समाज को अगर 10 इंजीनियर चाहिए तो 10 ही में से मैं देखूँगा इतने लोग इंजीनियर बन रहे हैं, तो एक लड़के को इंजीनियर बनाऊँगा मैं कि 10 हो जाएँ। 11वां इंजीनियर बनाऊँगा तो समाज का नुकसान कर रहा हूँ। तो गांधी जी का सोशलिज्म बहुत विशाल है, इस पर हम चर्चा कितनी करते रहे हैं। और फिर इस सोशलिज्म में उन्होंने फिर सारा सर्वोदय में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पंचायती राज कैसे बनेगी, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, तो इसलिए उस हम उसको विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते। जिनकी इसमें रुचि है उन्होंने हिंद स्वराज और गांधी जी का सर्वोदय का कंसेप्ट इसको अगर पढ़ेंगे तो उनको लगेगा गांधी जी का जो सर्वोदय है या गांधी जी का जो सोशलिज्म है वो स्पिरिचुअल सोशलिज्म है। मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो भौतिक है, केवल भौतिक तक सीमित रह जाता है, इससे आगे नहीं जाता। और जब भौतिक रह जाता है तो भौतिक साधन लेने पड़ते हैं कि कैपिटलिस्ट को मार दो। तो गांधी जी ने दूसरी चीज़ जो दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, मीन्स एंड एंड्स। आप ईविल मीन्स से नोबल एंड अगर प्राप्त करना चाहें, एक वेश्या अपना शरीर बेच रही है और शरीर बेचते बेचते उसके पास बहुत पैसा इकट्ठा होता है तो उससे एक हॉस्पिटल बनवा देती है वो। तो गांधी जी कहते हैं कि आपने इग्नोबल नीचे और कमीन साधन अपना करके और एक एंड अच्छा प्राप्त कर लिया, तो जितने भी ईविल हैं उस सब साधनों के वो सब उस हॉस्पिटल में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ से ईविल ही निकलेंगे, कोई अच्छा आदमी नहीं निकलेगा उस हॉस्पिटल में। तो इन्होंने कहा कि गुड मीन्स से ही गुड एंड प्राप्त करने चाहिए हमें। मीन्स जो होते हैं हमेशा एंड को इफेक्ट करते हैं, वो एंड के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं, और जब उस एंड को आदमी देखता है तो उसमें वो सारे ईविल दिखाई देते हैं। तो ईविल इस पर एंड और मीन्स पर भी गांधी जी कहते हैं कि कम्युनिस्ट जी कहते हैं, उनका जो सोशलिज्म वो ये कहता है कि ईविल एंड खून बहा करके मर्डर करके किसी तरह भी हो हमने कैपिटलिस्टों की संपत्ति जब्त कर लेनी है और फिर उसको समाज में बांट देना है। लेकिन वो जो रक्त है तलवार के द्वारा जो ली गई है, तो उन्होंने कहा मुझे ईसाई की वो बहुत ध्यान आ जाती है, बाई सोर्ड दे केम एंड बाई सोर्ड दे शैल गो। जो तलवार के द्वारा धक्काशाही के द्वारा आज उसके पास ताकत है और उसके द्वारा वो सत्ता प्राप्त करता है या कोई भी लक्ष्य प्राप्त करता है, तो कल दूसरा कोई उससे बड़ी तलवार वाला आ जाएगा तो इसका नाश हो जाएगा। तो तलवार से बनाई हुई चीज़ें जो है, इस पर गांधी जी ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि मीन्स भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना एंड हम पवित्र चाहते हैं।
ये कंसेप्ट गांधी जी ने अपनी जो कमेंट्री दी है गीता की, उस कमेंट्री से इन सारे सोशलिज्म को पुष्टि की है गांधी जी ने। गांधी जी की कमेंट्री गीता की जो है उसका नाम है अनासक्ति योग। गांधी जी भी तर्क की तरह गीता को निवृत्ति मार्गी नहीं मानते, गांधी जी गीता को प्रवृत्ति मार्गी मानते हैं, इसलिए उसका नाम उन्होंने अनासक्ति योग रखा है। इस संसार में रहो अनासक्त होकर के, जैसे कमल रहता है जल में और कमल के पत्ते भीगते नहीं उसमें, इसी तरह संसार के सारे कामों को करो, संसार के जितने भी काम हो करो, लेकिन उनसे मोहित मत हो, उनमें फंसो मत, दलदल में मत फंसो। तो ये प्रवृत्ति मार्ग जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर गहन शक्ति है, जिनके हृदय दुर्बल हैं, हृदय दौर्बल्य है जिनका, उसको त्यागना पड़ेगा। गांधी जी अपनी गीता में कहते हैं अनासक्ति योग में कि हृदय दौर्बल्यम का मतलब यह है कि हृदय के अंदर जो तुम्हारी दुर्बलता है, जिसके कारण से तुम परायणवादी बन रहे हो, निवृत्ति मार्ग ही बन रहे हो। निवृत्ति मार्ग ये कहता है कि अगर आप पुत्र पैदा करोगे तो पुत्रों से मोह जरूर हो जाएगा आपका, और पुत्रों से मोह हो जाएगा तो आप पुत्रों के लिए गलत काम भी करोगे। तो जैसा मार्क्स वालों ने शुरू में लिखा था होली फैमिली में कि अगर फैमिली बना कर रहोगे तो फैमिली ही पाप की जड़ है, फैमिली के लिए आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, फैमिली में अपने बच्चों को, बच्चा आपका थर्ड क्लास मैट्रिक है तब भी कोशिश आप ये चाहोगे कि किसी बड़े मिनिस्टर का पीए लग जाए, कुछ हो जाए तो समाज को सारे को करप्ट कर दोगे। तो इसलिए पुत्र पैदा ही नहीं करने चाहिए, फैमिली बनानी नहीं चाहिए। तो निवृत्ति मार्गी जो हैं वो तो इस बात को कहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग जिसको गांधी जी कह रहे हैं अनासक्ति, गांधी जी ने अपनी पुस्तक का नाम ही अनासक्ति हो रखा है। गांधी जी ने कहा है कि जिनके हृदय दुर्बल हैं वो कीचड़ के रास्ते में पांव रखते हुए घबराते हैं कि मैं फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन जिनके पैर मजबूत हैं, जिनकी स्पिरिचुअल पावर मजबूत है, वो उस कीचड़ के रास्ते से भी निकलेंगे तो फिसलेंगे नहीं, आत्मविश्वास लेकर के निकल जाएंगे। तो ये आत्म जो है, अध्यात्म जब जिनका जागेगा, गीता का सारा मकसद यही है कि आदमी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति इतनी पैदा कर दो, इतनी पैदा कर दो कि वो इस कीचड़ में होते हुए भी फंसेगा नहीं, अनासक्त होकर के संसार में रहेगा, पुत्र पैदा करेगा लेकिन पुत्रों से मोह नहीं होगा, अनासक्ति रहेगी उसकी, संपत्ति बनाएगा लेकिन वो संपत्ति में उसकी तो तीन, गांधी जी ने कहा मेरा सोशलिज्म यहाँ से निकलता है, गीता से निकलता है। गीता कहती है संपदा खूब बनाएगा, अच्छी तरह अपनी शक्ति से पैदा करेगा, लेकिन उस संपदा से मोहित नहीं होगा, उसको बांट देगा, वो मेरी नहीं है, मैंने ईश्वर के लिए इतना संपत्ति इकट्ठी की है, ये सब ईश्वर की संपत्ति है, इसलिए ईश्वर को बांट दी जाए। तो संपदा बनाने के बाद भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के बाद भी वो उसको प्राइवेट नहीं समझेगा, मेरी नहीं है, ये समाज की है। इसलिए गांधी जी अनासक्त होकर के संसार में रहने को ये सबसे श्रेष्ठ जीवन का उच्चतम आदर्श मानते हैं। अनासक्ति वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमी को पैसा दिखे, सोना दिखे, और उस सोने पर आदमी का प्रलोभन ना हो तो बड़े मुश्किल से आदमी तो ऐसा मिलेगा कोई आदमी। लेकिन गांधी जी कहते हैं मेरा जो अनासक्ति योग है, मैंने जो गीता की व्याख्या की है, उस व्याख्या के अंदर मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति पैदा कर दी है कि मनुष्य सोने के ढेर भी अगर पड़े हों तो उसकी तरफ उसका मन नहीं जाएगा। कई गांधी जी ने बड़ी कहानियाँ इसमें लिखी हैं, कई लोगों के उदाहरण भी लिखे हैं। चंचल महिलाएं आपके सामने खड़ी हैं, आपका मन उसके ऊपर नहीं जाएगा। चंचल महिलाओं की तरफ किसका मन जाएगा, जिसका मन कमज़ोर है, जिसका दिल कमज़ोर है। बहुत सारे उदाहरण हैं, गांधी जी ने
अर्जुन का उदाहरण महाभारत से दिया है। अर्जुन ने बड़ी तपस्या की, साधना की, और उसकी साधना को भंग कराने के लिए, क्योंकि देवताओं ने यह कहा था कि तुमने अगर गांडीव पर पक्का एक्सपर्टाइज यानी पूर्ण तरह से गांडीव को चलाना और संभालना सीख लिया तो तुम्हें जब तक गांडीव तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। तो अर्जुन अभ्यास करते थे जाकर के निर्जन वन में। तो ये देवताओं ने कहा कि अर्जुन ने अगर गांडीव चलाना सीख लिया तो ये हमसे भी पराजित नहीं होगा। तो उन्होंने उर्वशी को प्रेरित किया। उर्वशी वैसे भी देखती थी बड़ा सुंदर है ये है वो है, तो उर्वशी को कहा कि तुम जा करके इसकी तपस्या भंग करो। तो उर्वशी रात में पहुँचे, अर्धरात्रि का समय है, और अर्धनग्न होकर के शरीर के ऊपर से आधे वस्त्र। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसी अवस्था में रात में आप आई हैं, ऐसा लगता है कि कहीं से आपको कुछ पीड़ा मिली है, उस पीड़ा का निवारण मैं करूँगा। बताइए, एक नारी इस तरह की है कि जिसका ऊर्ध्व ऊपर के कपड़े जो हैं वो भी उतरे हुए हैं। तो उसने कहा पहले तुम गांडीव की सौगंध खाओ कि मेरी पीड़ा का तुम हरण करोगे। उसने कहा मैं गांडीव की, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का काम है कि जो लोग आदमी क्षत हैं, क्षत माने दुखी हैं, जिन पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनका त्राण करना, उनकी रक्षा करना। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारे पर जो तुम्हारी जो पीड़ा है उसका हरण करूँगा गांडीव के सौगन। तो उसने कहा कि मेरी फिर एक ही पीड़ा है कि आज की रात्रि में तुम्हारा जैसा पुत्र मुझे उत्पन्न करके दे दो। तो अर्जुन बड़े घबरा गए कि मैं तो प्रतिज्ञा तो कर चुका लेकिन मेरी तो सारा साधना ही टूट जाएगी। तो शोक में पड़ गए। अब क्या हुआ, आध्यात्मिक बल कहाँ से मिलेगा? आध्यात्मिक बल तो ईश्वर में आस्था से मिलता है। गांधी जी ने सैकड़ों जगह लिखा है कि जब भी मेरे पैर लड़खड़ाए, मैंने गीता पढ़ी और ईश्वर पर विश्वास किया तो समस्या सुलझ गई। तो अर्जुन ने भी यही काम किया। अर्जुन ने कृष्ण को याद किया, कृष्ण मैं तो संकट में फंस गया। तो जैसे ही कृष्ण को याद किया उसका आत्मबल इतना हो गया कि उसने कहा उर्वशी से कि देखो ऐसा है कि तुम पुत्र तो उत्पन्न हो जाएगा आज की रात, लेकिन मेरे ही जैसा वीर हो, मेरे ही जैसा गांडीव चलाने वाला हो, मेरा ही जैसा आस्थावान हो, ये गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी मैं नहीं ले सकता। क्या पता वो बिल्कुल कुमार की निकल जाए, क्या पता वीर की बजाय हिजड़ा निकल जाए वो। तो उसने कहा तुमने वायदा किया है। उसने कहा मेरे वायदा पूरा करने का एक ही साधन है। उसने क्या कि मुझे पुत्र रूप में तुम स्वीकार कर लो, तुम मेरी माँ, तुम्हारा मैं तुम्हारा। तो उर्वशी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि तूने नपुंसक हो जैसी बात की है, इसलिए मैं शाप देती हूँ कि तू नपुंसक हिजड़ा बन जाएगा। तो अर्जुन ने कहा कि चलो शाप तो आपने दे दिया, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कुपुत्र हो जाए थे कुछ दपी कुमाता न भवती। माता का नाम बदनाम कर दिया आपने, माँ के शब्द को बदनाम कर दिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कुपुत्र हो जाए थे। कुपुत्र तो हर घर में पैदा होते हैं, हर परिवार में एक ना एक कुपुत निकल जाता है बेटा। लेकिन कुमाता, कोई माँ अपने बेटे का भक्षण करे, अपने बेटे को खाए, अपने बेटे को नुकसान पहुँचाए, ऐसी माँ संसार में नहीं मिलती। माँ तो बेटे का संरक्षण करती है, और माँ यह बेटे को शाप दे रही है कि तू नपुंसक हो जा। तो माता का नाम आपने बिगाड़ दिया, मैं पुत्र तैयार हूँ। तो उर्वशी को एकदम, उसने कहा मेरे मुँह से शाप तो निकल गया, इसलिए नपुंसक तो तुझे बनना पड़ेगा, लेकिन मैं अब आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपनी इच्छा से अपने कल्याण के लिए नपुंसक बनेगा एक साल के लिए। तो जब वो अर्जुन वहाँ गए थे वहाँ बने थे वो। तो गांधी जी ने इस कहानी को लिख करके कहा कि ये जो बल है ये मैं लाना चाहता हूँ, ये मेरी गीता लाना चाहती है। गीता में विश्वास से बल आएगा कि आप संसार की चीज़ों के प्रलोभनों को देखते हुए भी ये प्रवृत्ति मार्ग है। संसार की चीज़ों को देखते हुए बाजार से गुजर रहे हैं आप, वहाँ कहीं जलेबी की सुगंध आ रही है, कहीं इमरतियों की आ रही है, लेकिन आपका मन विचलित नहीं होगा कि मैं यहाँ से। और उसके लिए गांधी जी ने एक ऐसे बाजार की, पता नहीं सच्चा बाजार था या गांधी जी ने बताया, उन्होंने ऐसे बाजार की कल्पना की
कि जहाँ बिन गत बाजार में एक भी वो नहीं बैठता था दुकानदार, और वहाँ दुकानें लगी हुई थी सारी, और लोग क्या करते थे दुकान से चीज़ उठा लेते थे और उसका मूल्य डाल देते थे उसमें। राम राज की बात की है गांधी जी ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जब समाज बन जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि गीता जो है ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता समाज शास्त्र है, समाज की। तो गीता को समाज शास्त्र की दृष्टि से जैसे तिलक ने पहली बार सबसे और गीता को प्रवृत्ति मार्ग में देख करके व्याख्या की, गांधी जी ने कहा कि मैं गीता की सामाजिक दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूँ। हमने समाज का निर्माण करना है, हमने लोगों को इस संसार से भगा के मोक्ष हुआ थोड़ी भेजना है स्वर्ग में, इस संसार में रहते ही मनुष्यों का तो कैसा समाज हमने बनाना है, ये समाज जो है बनाने की रचना गीता से मिलती है। तो गांधी जी पहले आदमी हैं जिन्होंने गीता का समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया है, समाज शास्त्र की दृष्टि से। गीता समाज निर्माण का शास्त्र है, गीता कोई अध्यात्म ऐसा शास्त्र नहीं है कि घंटी बजाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ। और उन्होंने कहा ये स्पिरिचुअलिज्म का भी रूप नहीं है। गांधी जी फिर वहीं चले आते हैं लौट करके, यहाँ उन्होंने गांधी जी ने यहाँ जो सत्याग्रह में कोट किया था उन्होंने कि सबसे पहला सत्याग्रही कौन था, वो गीत था कि मेरे सामने होते हुए कोई अनर्थ नहीं हो सकता, जब तक मैं जिंदा हूँ पापाचार नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये सत्याग्रही की तरह से, तो गीता भी यही कहती है आकर के आदमी को कि मैं सत्याग्रही बनाना चाहती हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो समाज का निर्माण कैसे लोगों से होगा जो सत्याग्रही होंगे, सत्य पर आग्रह करने वाले होंगे। सारे समाज को वो डिवाइन लाइफ बनाना चाहते थे। इन्होंने तिलक ने गीता तिलक ने कहा कि मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि सारे समाज का निर्माण करने वाले प्रवृत्ति मार्गी बने, और गांधी जी कहने लगे गीता ऐसा समाज बनाना चाहती है जहाँ स्थिर बुद्धि के लोग ऐसे खड़े हो जाएं कि समाज के अंदर ना कहीं पापाचार होने देंगे हम, ना कहीं समाज किसी तरह से, बल्कि दृढ़ मन के लोग पैदा हो जाएंगे जो समाज के सारे प्रलोभनों को त्याग करके भी अनासक्त रूप से जीवन जिएंगे। उनके सामने कितने ही प्रलोभन आ जाएं वो कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो गांधी जी ने एक एक श्लोक को लेकर के उनकी इसी तरह, अब गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान और है गीता में, जैसे ये योगदान दिया अनाशक्ति का उन्होंने कि गीता क्या करती है, गीता आदमी के अंदर स्पिरिचुअल पावर जगाएगी और स्पिरिचुअल पावर जगा करके आदमी को ऐसा कर देगी बिल्कुल अनासक्त भाव से संसार में रहेगा वो। उसकी कई मिसाल गांधी जी ने जैसे रामचंद्र जी के रामराज की थी कि बिना गत के एक भी दुकानदार नहीं है और सब दुकानें चल रही हैं, बाजार चल रहे हैं, और ऐसे बाजार में लोग जा रहे हैं कोई आदमी चोरी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसे लोग कहाँ से पैदा होंगे। तो कहते गीता के स्पिरिचुअल, गीता का स्पिरिचुअलिज्म आदमी को आंखें बंद करके बैठना नहीं सिखाता कि आप समाधि लगा के बैठ गए कि मैं क्या कर रहे हैं जी, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन वो है जिससे आत्मा में शक्ति आए, आत्मा में इतनी शक्ति आए कि हज़ारों चीज़ें सामने रखी हों तो भी प्रलोभन ना हो। तो उन्होंने कहा मेरी अनाशक्ति हो, समाज में ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक एक चीज़ लेकर के गीता का एक एक श्लोक लेकर के, पहला ही श्लोक उन्होंने लिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो गांधी जी ने कहा कि धर्म की सही व्याख्या लोग जानते नहीं, पाखंड को धर्म समझते हैं आदमी, पूजा पाठ को धर्म समझते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं पूजा पाठ नहीं देखता, यो माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मैं ये देखता नहीं कौन आदमी किस तरह से पूजा कर रहा है। श्रद्धा होनी चाहिए चाहे कोई भी हो, और यही बात इन्होंने कही कबीर ने। कबीर ने कहा नहीं, उन्होंने तुलसीदास ने कहा भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, काम चलावे कामरी तो काले करे कमाच। संस्कृत में ग्रंथ क्यों नहीं लिख रहे, तुलसीदास जी को कहा कि धर्म ग्रंथ तो संस्कृत में है, तुम हिंदी में लिख करके नाश मार रहे हो धर्म का। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाषा और संस्कृत से कुछ काम नहीं चलता, क्योंकि भगवान सारी भाषाएं समझता है। तो का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच, ईश्वर के साथ अगर सच्चा प्रेम है तो चाहे संस्कृत बोलो
चाहे हिंदी बोलो चाहे और कोई भाषा बोलो, तो काम चलावे कामरी। अगर कम्बल से काम चल जाता है तो रेशम खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी। तो अगर हिंदी भाषा से ईश्वर समझ लेता है मेरे दिल की भावना, सच्चा प्रेम, तो ये गांधी जी इसको यहाँ लाते हैं। उन गांधी तुलसीदास को कोट नहीं कर रहे, लेकिन गांधी जी यही बात कहना चाहते हैं। गांधी जी कहना चाहते हैं धर्म क्या है, धर्म पाखंड नहीं है, धर्म है सच्चा प्रेम किससे, जो ईश्वर का जहाँ अभिव्यक्ति हो रही है मानवता से। मानवता के साथ सच्चा प्रेम करो, स्वार्थ नहीं आना चाहिए, अनासक्त अनासक्त भाव से प्रेम करो। जो दुखी हैं, जो दरिद्री हैं, जिनको रोटी नहीं मिली, जिनके बच्चे रो रहे हैं, उन सब से अगर आप प्रेम करोगे तो कहते पहले धर्म का स्वरूप समझना। गांधी जी ने धर्म का स्वरूप पहले बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहले धर्म का स्वरूप बताया। तो गांधी जी ने धर्म का स्वरूप क्या बताया, जो भारत का प्रचलित धर्म का स्वरूप है पुराना, जिसको लोग भूल गए। ये तो अभ्युदय निश्चर्य सिद्धि सा धर्म, जिस चीज से अभित उदय होता हो, ये अभित उदय सर्वोदय। गांधी जी ने कहा अभित उदय यानी हर आदमी का उदय होता हो, ये नहीं कि अमीर लोग तो कोठियों में अय्याशी कर रहे हैं, उनके तो कुत्ते भी दूध पी रहे हैं, और जो बेचारा झोंपड़ी में है उसके बच्चे को भी दूध नहीं मिलता, तो अभित उदय का हुआ। अभित उदय का मतलब सबका उदय होना चाहिए। अगर दूध पी रहे हो तो उस बच्चे को भी थोड़ा, तुम एक किलो दूध पी रहे हो तो कम उस बच्चे को कम से कम 100 ग्राम दूध तो मिल जाए। तो गांधी जी कहते हैं धर्म का पहला स्वरूप क्या है, अभित उदयम यह तो अभ्युदय, और अभित में दूसरी चीज़ क्या आ गई, सब तरह से उदय होना चाहिए। नैतिक उत्थान भी होना चाहिए, इकोनॉमिक उत्थान भी होना चाहिए उसका, और स्पिरिचुअल उत्थान भी होना चाहिए। क्योंकि हम इकोनॉमिक उत्थान तो कर देते हैं, पैसा तो बहुत इकट्ठा कर दिया, लेकिन हमारा नैतिक पतन हो गया, हमने बेईमानी से पैसा इकट्ठा किया, तो ये धर्म नहीं है। हमने कहा जी उदय तो हमने कर दिया इकोनॉमिक, इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना दी हमने, तो प्रॉपर्टी तुमने बना दी, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहाँ बटी, इस प्रॉपर्टी को वहाँ तक बांटो जहाँ बिल्कुल सबसे छोटा आदमी बैठा है उसके पास। कांकर पाथर चुन चुन करके जिसने महल बनाए, और वाह की कुटिया छत को तरसे ईश्वर ये अन्याय, ये धर्म नहीं है। जो कंकर पत्थर चुन चुन करके तुम्हारे महल बना रहा है इतना बढ़िया, तो तुम्हारे लिए तो एक ऐसा आलीशान महल है, और उसके घर जाओगे तो टूटी हुई झोंपड़ी जिसमें पानी टपक रहा है। तो अभित उदय में क्या होगा कि सबका उदय होना चाहिए। तो धर्म का स्वरूप ही नहीं लोग जानते। तो गांधी जी ने कहा कि गीता सोशोलॉजिकल ट्रेटाइज है, गीता जो है सोशोलॉजी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेटाफिजिकल। तो सोशोलॉजी में क्या है कि सोशल अपलिफ्ट सबका होना चाहिए आखिर तक। तो धर्म का सच्चा स्वरूप कौन था, अब इस स्वरूप को आपने थ्योरिटिकली कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कुरुक्षेत्र, इसको कुरुक्षेत्र जहाँ प्रैक्टिकल फील्ड है, इस उन्होंने उसके लिए शब्द प्रयोग किया है, उन्होंने कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन, कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन में ये कैसे लागू होगा, ये यही गीता है। जो अभित उदय करने वाली कंसेप्ट है कि सबका उदय होना चाहिए, उसको कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन से कैसे पैदा करोगे, तो अगर आपने वो मेथडोलॉजी सीख ली तो गीता का पहला श्लोक आपने सीख लिया। तो इस फिर गांधी जी फिर वही घुमा फिरा करके अपने सोशलिज्म पर ले आते हैं। तो गीता तो सोशलिज्म का पाठ पढ़ाती है, दुनिया से भागने का पाठ नहीं पढ़ाती। तो उन्होंने कहा कि इसको कुरुक्षेत्र में लाओ, प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ लाइफ में लाओ, थ्योरी की बात मत करो। मंच पे भाषण तो बहुत दे दिए कि मैं ब्रह्म हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ब्रह्म हो तो उसके अंदर ही तो ब्रह्म मौजूद है, वहाँ तक पहुँचो। तो उन्होंने कहा सोसाइटी को तुम देख नहीं रहे, ब्रह्म बन के बैठ गए। तो सच्चा धर्म गांधी जी ने पहले ही श्लोक में कहा कि रियल धर्म वो है वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप लागू करते हो। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने लागू किया नहीं किया तो इसका मतलब आप धर्म का पालन नहीं कर रहे, धर्म जानते हुए भी धर्म का पालन। तो गांधी जी ने कहा ऐसे लोग जो थे वो दुर्योधन की तरह होते हैं। दुर्योधन का जब लोगों ने कहा
कि तुम अधर्म कर रहे हो, तो उसने कहा जाना मैं धर्म में, धर्म को मैं जानता हूँ, न चे प्रवृत्ति मेरी, लेकिन उस तरफ प्रवृत्ति नहीं है। तो तुम दुर्योधन बनना चाहते हो या अर्जुन बनना चाहते हो? तो कहने का अर्जुन वो है प्रैक्टिकल लाइफ में वो उन चीज़ों को पालन कर रहा जो कृष्ण बता रहे हैं उसको। जो डिवाइन इंस्पिरेशन आ रही है धर्म की, वो सच्ची इंस्पिरेशन है। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि, ये तो अभ्युदय अभ्युदय करो। तो गांधी जी ले आते हैं गीता को, गीता जो है वो मेरे सोशलिज्म का आधार बन गई है। अब एक और चीज़ लाते हैं गांधी जी, वैसे तो बहुत बड़ी कमेंट्री है गांधी जी की। एक और चीज़ लाते हैं गांधी जी, वो लाते हैं चौथे अध्याय का पहला श्लोक। चौथे अध्याय का पहला श्लोक ये कहता है कि अर्जुन आज जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ये कोई नया ज्ञान नहीं है। अब तो इस समय तक समय थोड़ा है, बहुत ब्रीफ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं विस्तार से मैंने ज्ञान पहले दे चुका हूँ इसको। तो चौथे अध्याय का पहला श्लोक कहता है कि ये ज्ञान पहले मैंने सूर्य को दिया था, और सूर्य के बाद मैंने किसको दिया ये ज्ञान? सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने फिर ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। तो गांधी जी कहते हैं इसमें कहीं भी निवृत्ति नहीं आती। मनु को जो ज्ञान दिया है भगवान ने, धर्मशास्त्र का ज्ञान दे दिया है, उसमें सारी प्रवृत्ति आती है। मनु का शास्त्र जो है मानव शास्त्र, निवृत्ति मार्गी शास्त्र नहीं है। इसलिए जो आदमी उस ज्ञान को नहीं जानते, क्या ज्ञान था वो ईश्वर ने जो विस्तार से दिया? सूर्य को जो ज्ञान दिया वो क्या ज्ञान था? सूर्य ने फिर मनु को जो ज्ञान दिया वो क्या ज्ञान था? तो जो उस ज्ञान को विस्तार से नहीं जानते और गीता का प्रचार करते हैं वो पाखंडी है। आप ए से लेकर के और सी तक के तो अक्षर जानते नहीं, और जेड पे पहुंच गए एकदम, जेड कैसे पहुंच जाओगे? तो पहले आप ये देखो कि उन भगवान ने सूर्य को और मनु को क्या ज्ञान दिया था, और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म आज तुम दे रहे हो, तो उस ज्ञान के साथ जोड़ो तो सही, जुड़ती है नहीं। आपने बहुत बड़ा एलजेब्रा की किताब निकाली और एंड में क्या कह दिया कि 73 को 3 से ज़रब दो तो मुझे पता ही लगता क्या है। तो एलजेब्रा क्या सिखाया फिर आपने? तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मनु शास्त्र जो है अब मनु में क्या है। गांधी कहते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, लेकिन गीता वाली वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। मैं जातिवाद को सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ, और इसलिए उन्होंने कहा कि मनु जो थे, जो मनु को नहीं जानते, मनु ने एक जगह लिखा जन्म ना जाते शूद्रा संस्कार आदि दुजच्छते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, जन्म का सूतक सबको लगता है। जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ है उसके घर में अगर भीख मांगने वाला भी आया और उससे कह दो कि भैया हमारे घर में सोहर है, तो आपके घर से भीख भी नहीं लेगा, क्योंकि आपके घर में सूतक लगा हुआ है शूद्र। तो गांधी जी कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र हैं, कोई अहंकार नहीं कर सकता कि मैं महान हूँ। मां तो जन्म ना जाते शूद्रा, संस्कार प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके, संस्कार प्राप्त करने के बाद आदमी द्विज बनता है, ब्राह्मण बनता है।